हमारी स्टेट में, उसके रिगार्डिंग जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हिंदू एकता मंच जब से रसाना इशू हुआ तो हम लोगों को हिंदू एकता मंच, पहले तो मैं बताऊं बनाना क्यों पड़ा, क्योंकि जब महबूबा मुफ्ती जी जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थी जम्मू व कश्मीर स्टेट की, उनकी नादरशाही, उनका दबाव, उनका जो रवैया जम्मू प्राविंस की तरफ था और ख़ासकर हिंदुओं की तरफ हरसाना केस में, उन्होंने जो इंटरफेरेंस किया इस केस में, हमारे लोगों को फंसाया गया, धमकाया गया, डराया गया। हमने भरपूर कोशिश की सबको बताने की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई कि आज तक हम सीबीआई इंक्वायरी तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन ये जो सरकार थी तानाशाह सरकार, और इसको हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये एक खित्ते की सरकार है, खासकर कश्मीर खित्ते की, आज उस सरकार को आखिरकार जम्मू के लोगों के दबाव से हिंदू एकता मंच ने जो प्रेशर बनाया और उसका जो सहयोग हमें पूरे जम्मू प्रोविंस से मिला, खासकर जम्मू की जनता, हर एक छोटा बच्चा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हर लोगों ने दिल से इसका साथ दिया। दूसरा ये था कि हमारा जो मुद्दा है, हम गवर्नर रूल लगा है जो हमारी स्टेट में, उसका हिंदू एकता मंच हीरानगर की तरफ से स्वागत भी करते हैं और एक आशा करते हैं कि जो सेपरेटिस्टों की सरकार चल रही थी जहां पे, और उसमें भागीदार थी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने बेच दिया था हमारे जम्मू प्रोविंस को, नहीं न्याय दे सके हम लोगों को। जे जो उम्मीदें थी लोगों को इनसे कि ये जो हिंदुओं की भावना है या डोगरों की भावनाएं हैं, जो जम्मू प्रोविंस की भावनाएं थी, उसको ये फुलफिल नहीं कर सके। रसाना केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। हिंदू एकता मंच जहां के लोग, जहां की पूरी सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, इन्होंने कोई गलत काम नहीं मांगा, कोई अनैतिक क्वेश्चन नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम ये जो इंक्वायरी चल रही है क्राइम ब्रांच की तरफ से, ये कश्मीर स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टिगेशन को हम सिरे से खारिज करते हैं। हमारा ये था कि जिसने भी ये क्राइम किया है उस बच्ची के साथ, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो बच्ची सबकी बच्ची है, लेकिन निर्दोष एक नहीं फंसना चाहिए। इसके लिए हमने एक जो प्रीमियर एजेंसी थी भारत सरकार की, सीबीआई, वही डिमांड की कि ये इन्वेस्टिगेशन से हम संतुष्ट नहीं हैं और ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक फेयर एजेंसी से करवाई जाए। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी इसमें।